टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ के खैरनगर इलाके में प्रेमी संग अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने महिला और प्रेमी संग कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंधों में बाधक बनने के कारण इन बच्चों की हत्या की गई है। 10 वर्षीय बेटे मेहराब का शव नहर से बरामद हो गया, जबकि बच्ची की तलाश जारी है। शुक्रवार को जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें प्रेमी पूर्व पार्षद सऊद फैजी, प्रेमिका निशा के अलावा साद, आरिफ, मुशर्रत व कौसर शामिल है। इससे पूर्व पुलिस ने पूर्व पार्षद सऊद फैजी के घर पर भी छापा मारा था, जहां से एक अटैची में भारी संख्या में नोट बरामद हुए। हालांकि इन नोटों की गड्डियों के ऊपर नीचे नोट लगे हुए थे, जबकि बीच में रद्दी भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि यह राशि इस केस को दबाए रखने की एवज में निशा के पति को दी जानी थी। भैया हाथ पैर तोड़ रखे भैया, बता दो यार, बता दो हाथ तोड़ रखे भाई बच्चे के, हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी शुक्रवार को मीडिया को दी। ये 22 मार्च को थाना दिल्ली गेट पे रात 11 बजे के लगभग श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके दो बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए। बच्चों का मामला था, इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मोकबरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की माँ और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है, उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कहकर शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं, बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगनार कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत नानू झाल के पास गंगनार में डंप कर दिया गया। अभी तक क्या क्या ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो आगे जो ट्रायल रहेगा उसमें आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करेगा? अब तक की हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट है, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगनार में दो बेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी है। मोबाइल के CDRs हैं, जिससे इनके आपस के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए टोटल इसमें? इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें सभी को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं। इसमें एक स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद फैजी है,
बच्चे की माँ है। इसके अलावा दो महिलाएं हैं, मुशर्रत और कौसर, मुशर्रत का लड़का और आरिफ नाम का एक युवक। ये सब वहीं स्थानीय निवासी हैं, इनके घर के आसपास ही सभी रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतने, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।